गुड मॉर्निंग क्लास, आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद पीसीएस में स्वागत है। आज की इस क्लास में मेडिवल हिस्ट्री में बाबर और शेर शाह को देखेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं ये बता दूं कि जो भी क्लासेस हमारी चल रही है, जैसे लास्ट क्लास में बाबर के चला था, उसके पहले हमारा चला था दिल्ली सल्तनत, उसके पहले हमारा चला था एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है। जब आप इस क्लास को देखा करिए, किसी भी टॉपिक को देख रहे हैं आप लोग, या एंशियंट हिस्ट्री में, मेडिवल हिस्ट्री में, तो आप उस टॉपिक को देखने के बाद घटना चक्र में विजिट करिए, उस टॉपिक के क्वेश्चन को करिए, और अगर क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो फिर आप हमसे वापस कमेंट में बताइए, या फिर हमारे दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करिए। देखिए, हमारा जो लेक्चर का जो मेन मोटिव होता है, हमारा जो लेक्चर का जो क्रक्स होता है ना, वो एनसीईआरटी बेस्ड, घटना चक्र और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इन तीनों को हम लोग समराइज करके अपने लेक्चर को तैयार करते हैं, और कोशिश करते हैं कि शॉर्टेस्ट ऑफ द टेन्योर में आपको दे दिया जाए 10-15, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट के वीडियो में, ताकि वो 15-20 मिनट का अगर आप वीडियो देखो, तो अगर अदर कहीं से आपको 40-45 मिनट की वीडियो मिल रही है तो दोनों इक्विवेलेंट हो। क्योंकि कई जगह क्या होता है कि आप लोग को जो 40-45 मिनट की वीडियोज़ रहती है, उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई जाती है जो कि एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो अपने को सिर्फ उसी एरिया पर टारगेट करना है कि हम उस चीज़ को पढ़ के अपने उस टॉपिक को, अपने उस क्वेश्चन को लगा ले जाएँ, बाकी हमको उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। अपने को किसी भी सब्जेक्ट में PhD नहीं करना है, ठीक। तो इस चैनल पे आप बने रहिए उस क्रक्स मटेरियल के लिए, ये आपको एग्ज़ाम में अभी तो इम्पोर्टेंट हेल्प करेगा ही, बाद में रिवीजन के लिए सबसे आपके लिए बेस्ट मटेरियल बन जाएगा। क्योंकि आप एंड टाइम में क्या होता है कि सारे बच्चे, जैसे हम लोग एस्पिरेंट थे एक समय पे, तो सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो एंड टाइम पर ढूंढते हैं कि ठीक है 5-10 मिनट की कोई वीडियो मिल जाए जहाँ से हम देख कर अपनी चीज़ों को रिवाइज़ कर लें, तो उस टाइम पर ये सारे वीडियोज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। और अभी भी आप इनको देख सकते हो या फिर देखते ही रहो, एक आपका बेस बन जाए, एक आपका अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि बाकी आप कहीं भी जहाँ भी पढ़ रहे हो आप पढ़ते रहिए, उसके साथ आप इस चीज़ को कनेक्ट कर लीजिए, चाहे फैक्चुअल डेटा के फॉर्म में, चाहे इसको कॉन्सेप्चुअल डेटा के फॉर्म में, तो इस चीज़ को आप अप्लाई करिए अपनी तैयारी में, और फिर क्वेश्चंस को लगाइए, और अगर ना हो तो फिर आप हमसे बताइए, ठीक। तो चलिए आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं हुमायूं और शेर शाह को। तो देखिए, हुमायूं का टेन्योर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 1530 से 1540 और 1555 से 1556, करेक्ट। ये कौन था? सन ऑफ बाबर, जिसने की गद्दी को कब हासिल की? 1530 में। हुमायूं ने गद्दी को 1530 में हासिल की, ठीक। अब देखिए, ये इम्पोर्टेंट कब होता है ना, जब हुमायूं के अम्पायर में, जब हुमायूं के स्टेट में शेर शाह का जब एंट्रेंस होता है, तब से इसकी लाइफ का जो इवेंट होगा वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। हुमायूं का शेर शाह के साथ 2 बैटल हुआ था। फर्स्ट आपका रहेगा बैटल ऑफ चौसा 1539-1540 में, और सेकेंड होगा बैटल ऑफ कन्नौज, या फिर उसी को हम बोलते हैं बैटल ऑफ बिलग्राम। तो बैटल ऑफ बिलग्राम कब हो गया? 1540 में। ये 2 इम्पॉर्टेंट हुआ, ठीक। शेर शाह के साथ कौन सी 2 लड़ाई हुई? चौसा और कन्नौज की, ये इम्पॉर्टेंट हो गया। फिर क्या होगा कि वो क्या करेगा, जैसे दोनों में क्या होगा, हुमायूं डिफीटेड हो जाएगा, दोनों बैटल में हुमायूं डिफीटेड, हार गया, डिफीट नहीं किया शेर शाह को, शेर शाह ने दोनों बैटल में हुमायूं को डिफीट कर दिया। तो उसकी वजह से क्या होगा, हुमायूं कहाँ चला जाएगा? ईरान। कितने साल के लिए? 15 साल के लिए। He escaped to Iran for 15 years. क्यों गया? क्योंकि वो दोनों बैटल शेर शाह से हार गया था। आगे देखिए, आफ्टर डेथ ऑफ शेर शाह ही केम बैक टू इंडिया अगेन। जब शेर शाह की डेथ हुई थी, उसके बाद वो इंडिया आया। कब आया? 15 साल के बाद, मतलब कि 1530 से 1540 तक था वो, 40 में उसकी लड़ाई, 39-40 के आसपास में शेर शाह से लड़ाई हो गई हुमायूं की, वो हार गया और चला गया कहाँ पे? ईरान, ठीक है। 15 साल के बाद आया, मतलब कि 40 से 15 जब आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 55। ये यहाँ पर वापस आया और फिर से रूलर ऑफ इंडिया बना। तो इसका सीन क्या है कि दो बार रूलर ऑफ इंडिया बन चुका है। एक तो था 1530 से लेकर 40 के बीच में, फिर 15 साल के लिए इंडिया में क्या आ गया था? सूर अम्पायर, शेर शाह सूरी वाला सूर अम्पायर। और फिर दोबारा ये जब 1555 में आया है, तो फिर से इसने अपने आप को सेकेंड टाइम रूलर बनाया पूरे इंडिया का। तो अगर एग्जाम में पूछा है कि दो बार रूलर कौन बना है मुगल अम्पायर में, तो हुमायूं है। और दो बार ऑफिशियली किसको कोरोनेट किया गया रूलर बना करके, तो वो अकबर है। तो जब हम लोग अकबर पढ़ेंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया। तो क्या लिखा है कि आफ्टर 15 ईयर्स व्हेन ही केम बैक ही अगेन बिकेम द रूलर ऑफ इंडिया। 15 साल के बाद जब वापस आया तो फिर से वो रूलर ऑफ इंडिया बना। अब देखिए, ही डाइड वाइल क्लाइंबिंग स्टेयर्स। अपनी लाइब्रेरी में वो सीढ़ी चढ़ करके कुछ किताबें निकाल ही रहा होगा, तो शायद उसमें उसका पैर फिसल गया उस सीढ़ी से, तो वहाँ से गिरने की वजह से क्या हो गई, इसकी डेथ हो गई थी हुमायूं की। कब हुई थी? 1556 में, ठीक है। एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है, कौन? लेन पूले। उन्होंने कमेंट किया था हुमायूं के ऊपर कि पूरी ज़िंदगी लड़खड़ा करके चलता रहा और लास्ट में सीढ़ी से लड़खड़ा करके गिर भी गया। तो लड़खड़ा के चलना इन द सेंस कि आप 1530 से 1540 तक अपने अंपायर को भी स्टेबल कर रहे हो,
क्योंकि बाबर के पास जस्ट अभी आया था, तो उस समय क्या था, मुगल अंपायर एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को फॉलो कर रहा था, अपने अंपायर को धीरे धीरे बढ़ा रहा था। तो विदर स्ट्रगलिंग फेज आपका चल रहा है, तब तक 1540 और ये 3940 के आसपास में शेरशाह का इन्वेजन हो गया। फिर आप 15 साल के लिए इंडिया से आप बाहर चले गए, फिर आप वहाँ से इंडिया आए कब, 1555 में, तो फिर 1556 में आपकी डेथ हो गई। तो जो उसकी पूरी लाइफ थी वो लड़खड़ाते हुए चली, और लास्ट में लड़खड़ाते हुए सीढ़ी से वो गिर भी गया। उस लाइन को किसने बोला है, लेन बोलेने को नहीं है, ब्रिटिश हिस्टोरियन है। ठीक, अब देखिए हुमायूं की जो बहन थी ना, गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम ने क्या लिखा था, हुमायूं नामा। इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और पीसीएस में पूछा है, कई बार पूछा है ये। और उसने क्या बनाया था, दीन पना को कहाँ पे, दिल्ली पे एज हिज कैपिटल। ठीक, तो ही बिल्ट दीन पना एट दिल्ली एज हिज कैपिटल। दीन पना को इसने दिल्ली में अपना एक राजधानी के तरीके से बना लिया था। तो ये इंफॉर्मेशन थी किसके लिए, हुमायूं के लिए। अच्छा देखिए, इसके अलावा आपको, आप लोग भरोसा करिए, घटना चक्र देख लीजिए या फिर किसी भी एग्जाम को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लीजिए, इससे अलग पेपर में नहीं आता। आईएएस के लिए नहीं बताया जा सकता, लेकिन पीसीएस, आरओ, एआरओ या फिर लोअर पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, किसी भी एग्जाम में, जीएस के पोर्शन में इससे अलग कुछ भी दिया ही नहीं जाता है। ठीक, जितना आपको बताया जाए आप बस उसी को ध्यान से पढ़ लो, लेक्चर को 2 से 3 बार देख लो, चीज़ें आपको मगर पूरी हो जाएंगी। अब हम डिस्कस करते हैं किसको, शेरशाह को। तो देखिए क्या हुआ था ना, कि ये सेकेंड अफगान डायनेस्टी है, ये सेकेंड अफगान अम्पायर, फर्स्ट अफगान अम्पायर कौन था, लोदी। ठीक है, हम लोग जब पढ़े थे दिल्ली से, तो हमने वहाँ पर डिस्कस भी किया था कि जो लोदी डायनेस्टी थी वो फर्स्ट अफगान अम्पायर थी, बाकी उसके पहले वाले क्या थे, तर्क, तुर्किश या फिर तर्किस। ठीक, और फर्स्ट अफगान अम्पायर हो गई थी लोदी, और सेकेंड अफगान अम्पायर थी शेरशाह सूरी वाली, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूर अम्पायर। और इसको हम लोग पीरियड को कब से लेते हैं, इसके हम लोग पीरियड को लेते हैं आपके 1540 से लेके, 1540 से लेके 1555 तक, 1540 से लेके 1555 तक, 15 साल का टेन्योर इसका रहता है, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन है अपना, शेरशाह, 1540 से 1545 के लिए। ठीक, अब इसको डिटेल में देखते हैं। 1539 में क्या हुआ, ही डिफीटेड हुमायूं, हमने देखा यहाँ पर 1539 में क्या हुआ, बैटल ऑफ चौसा हुआ, हुमायूं उसमें हार गया था। देखिए लिखा है, इन द बैटल ऑफ चौसा एंड एज्यूम द टाइटल, जैसे इसने बैटल ऑफ चौसा में हुमायूं को हराया, तो फिर इसके बाद इसने कौन सी टाइटल को ली, तो ये जो टाइटल लिया था ना, यही टाइटल था किसका, शेरशाह का, शेरशाह एज एम्परर। तो इसने अपने टाइटल को लिया बैटल ऑफ चौसा में जीतने के बाद। फिर देखिए ये कुछ स्टेट्स को कैप्चर किया था, एग्जाम में पूछता है कि इसके स्टेट कैप्चरिंग क्रोनोलॉजी को, दूसरे अलाउद्दीन खिलजी के कैप्चरिंग क्रोनोलॉजी को। तो अलाउद्दीन खिलजी वाला हम लोगों ने जब पढ़ा था उसमें अलाउद्दीन खिलजी को, तो उसमें डिस्कस किया था, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इसी इवेंट में, इसी क्रोनोलॉजी में इसने इन पर्टिकुलर स्टेट्स को कैप्चर किया था। जैसे कि फर्स्ट आप देख लो, मालवा 1542 में, रणथंबोर 1542 में, राजपूताना एंड मारवाड़ 1542 में ही, रायसेन 1543। ठीक, ये पहला आया 1543, बाकी इसके पहले जो भी थे 1542 में थे। ठीक, ये फर्स्ट आपका आ गया 1543 में, चित्तौड़ 1544 में, और कालिंजर 1555 में। और इस कालिंजर को कैप्चर करते हुए ही शेरशाह की डेथ हुई थी। ठीक, 1545 में उसकी डेथ हो गई थी। इसने कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रुपया। इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इवेंट है किसके लाइफ को लेकर के, शेरशाह के लाइफ को लेकर के, क्या किया था इसने, ही बिल्ट फर्स्ट जीटी रोड, इसने पहला जीटी रोड बनाया था, ऑल ओवर इंडिया भी कह सकते हो, फिर ऑल ओवर एशिया भी कह सकते हो, जो क्या कनेक्ट करती थी, कलकत्ता से पेशावर को। कलकत्ता कहाँ पे है, इंडिया में, वेस्ट बंगाल में, और पेशावर कहाँ पे है, अ सिटी इन पाकिस्तान। तो कोलकाता से लेकर के पूरे पाकिस्तान तक के बीच में, मतलब क्या समझ लो कि सेंट्रल एशिया से इंडियन सब कॉन्टिनेंट को जोड़ने वाला जो रोड था वो कौन बनाया था, शेरशाह ने बनाया था। किस नाम से, जीटी रोड से, ग्रैंड ट्रंक रोड। तो ये आपका हो गया कलकत्ता टू पेशावर फर्स्ट जीटी रोड, कौन, शेरशाह सूरी। फिर देखिए लैंड मेजरमेंट को क्या किया गया था, फिक्स किया गया था, लैंड का जो भी मेजरमेंट हो उसको फिक्स किया गया था, और 1/3, 1/3 को फिक्स किस लिए किया गया था, टैक्स के लिए। तो 1/3 को फिक्स किया गया है टैक्स के लिए, और बाकी लैंड मेजरमेंट को भी फिक्सेशन किया गया था। आगे देखिए, जो पीजेंट थे ना उनको 2 टर्म दिया गया था, उनको दो दो राइट दी गई थी, दो दो उनको फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे। पहला क्या था, पट्टा, और दूसरा क्या था, जबूलियत। तो जो पट्टा था ना वो क्या था, आपका फॉर्मल टाइटल था कि ठीक है जो जमीन है वो आपकी है, फॉर्मली आपकी है। तो पट्टा क्या हो गया, फॉर्मल टाइटल, और
और जो जबूलियत है वो क्या है, फॉर्मल एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट हुआ था स्टेट और पीजेंट के बीच में, ये जो पर्टिकुलर जमीन है वो किसकी है, आपकी है। तो इस दोनों टर्म को याद रखना है, पट्टा को भी और जबूलियत को भी। पट्टा क्या है, एक फॉर्मल टाइटल दिया गया था फॉर्मल किसके, पीजेंट के जमीन को, और दूसरा दिया गया था कि एग्रीमेंट के थ्रू कि ये जमीन जो है आप ही की है, उसको क्या बोलते थे हम लोग, जबूलियत। ओके, फिर देखिए इसमें जमींदार को रिमूव कर दिया गया था, शेरशाह के टेन्योर में जमींदार को रिमूव कर दिया गया था। तो अभी आप लोग सोचोगे कि फिर रेवेन्यू कलेक्ट कैसे होता था, तो रेवेन्यू बस ऐसे कलेक्ट होता था, ये ऊपर होती थी स्टेट, यहाँ होते थे पीजेंट, ये डायरेक्ट टैक्स देते थे किसको, स्टेट को। सारे बीच में से इंटरमीडियरीज को हटा दिया गया था, और बीच में से इंटरमीडियरीज को हटाना भी चाहिए क्योंकि बीच में फिर क्या हो जाती है ना, करप्शन स्टार्ट हो जाता है, करप्शन प्रैक्टिसेज स्टार्ट हो जाती हैं। तो बीच में इनको, हाँ, जमींदारी कह लो या फिर अब जो भी कुछ कह लो, बीच में से जो भी ऑफिसर भी थे उनको भी हटा दिया गया था, जहाँ पे कि क्या हो सके, पीजेंट डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सके स्टेट से। आगे देखिए इसने क्या बिल्ड किया था, पुराना किला बिल्ड, पुराना किला कहाँ पे, दिल्ली में। शेरशाह ने पुराना किला कहाँ बिल्डअप किया था, दिल्ली में। और लास्ट चीज, जब इसकी डेथ हुई थी तो उसको बरी कहाँ पे किया गया था, सासाराम। सासाराम कहाँ पे है, बिहार में, करेक्ट है। तो इसका जो मकबरा है किसका, शेरशाह का, वो सासाराम में है। तो ये कुछ शेरशाह से चीज़ें रिलेटेड हो गई और ये हुमायूं से रिलेटेड हो गई। इससे अलग आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछता है। आप इसको फिर से एक बार वीडियो को देख लेना, चाहे स्पीड बढ़ा करके देख लेना, लेकिन इसको आप देखते रहो, कॉन्सेप्ट यहाँ से आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, एक छोटा सा ये बस्ता है शेरशाह में, इसकी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थी वो भी इंपॉर्टेंट हैं, तो उसको हम देखते हैं। ऊपर के कुछ पॉइंट को मिटा दें, छोटा सा बस है, 3-4 लाइन का टॉपिक बचा हुआ है। देखिए देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, करेक्ट। अब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में देखिए इसमें क्या क्या था, जैसे पहला इसमें आपका रहेगा इक्ता, दूसरा रहेगा सरकार, तीसरा हो जाएगा परगना, और चौथा हो जाएगा ग्राम। ग्राम मतलब कि विलेज, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इक्ता मतलब क्या होता था, इक्ता का मतलब होता था प्रोविंस, राज्य। सरकार का मतलब क्या होता था, डिस्ट्रिक्ट, जिला। परगना मतलब क्या हो जाता था, तालुका, इसको कह सकते हो तहसील। और ग्राम मतलब तो नाम से ही लग रहा है, विलेज। तो ये चार एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थे किसकी, शेरशाह सूरी की, इक्ता, परगना, सरकार और ग्राम। अच्छा, इक्ता सिस्टम स्टार्ट कौन किया था, याद करिए आप लोग, जब हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने उसी समय देखा था, एकता सिस्टम को स्टार्ट किसने किया था, इल्तुतमिश ने, ठीक। तो इस तरीके से चीज़ों को कनेक्ट भी करते रहना है, कनेक्ट करके आगे चलते रहना है, ताकि जो हमारे जो भी टाइटल रहे, जो भी हमारे कंटेंट रहे, उसको पढ़ने से हमें कुछ और चीज़ों का भी याद आती रहे, पीछे से कनेक्ट होती रहे। तो अब देखिए शेरशाह का क्या हो गया, 1540 से 1545, जबकि सूर अंपायर कब से, 1540 से लेकर 1555 तक है। इसका मतलब कि शेरशाह के बाद भी 10 साल तक सूर अंपायर चला था, लेकिन कोई प्रॉपर कोई रूलर नहीं आ पाया हो, कोई स्ट्रॉन्ग रूलर ना आ पाया हो, तो क्या हुआ था, 10 साल में इसके बाद डिक्लाइन भी हो गया। और जो रूलर जो भी आए हैं किसके बाद, शेर शाह के बाद, वो इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं थे कि हमारे एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट हो। अब हमें उनके ऊपर कोई थेसिस तो लिखनी है नहीं कि नहीं कौन आया तो उनके बारे में जान ले, कौन आया तो उनके बारे में जान ले। तो चीज़ों को मगजमारी नहीं करना, ज़्यादा लंबा नहीं करना, जितना आपको बताया गया आप उतने पर ध्यान दीजिए, उतने से क्वेश्चन को लगाइए, और अगर क्वेश्चन ना हो तो फिर आप हमसे कॉन्टेक्ट करिए, ठीक है। तो ऐसी क्लास थी, मोस्ट प्रोबेबल आज शाम को 4 या 5 बजे तक आपकी ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास स्टार्ट होगी, जिसमें कि हम स्टार्ट करेंगे पहले इंडियन ज्योग्राफी। हमने उस दिन बाइफर्केट किया था वर्ल्ड ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी में, लेकिन आज हम स्टार्ट पहले करेंगे इंडियन ज्योग्राफी, क्योंकि इंपॉर्टेंट वही ज़्यादा होता है जो वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगा, साथ में उसकी चीज़ें आपकी चलती रहेंगी, उसकी प्लेलिस्ट में अलग से बनती रहेंगी। मैं ज्योग्राफी, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो तो बना दिया, अब हम दो दो वीडियो उसकी प्लेलिस्ट अलग से बनाएंगे, एक इंडियन ज्योग्राफी की और एक वर्ल्ड ज्योग्राफी की। तो इंडियन वाले आपके मटेरियल को इंडियन में और वर्ल्ड वाले मटेरियल को वर्ल्ड में आपके अपलोड किया जाएगा। हिंदी में आपकी क्लास वर्तनी नुसुद्दी स्टार्ट हो ही चुकी है, आप उसके साथ ही बने रहिए, वहाँ से प्रैक्टिस करते रहिए। नितिन सर आपको डेली ट्रिक्स बता ही रहे हैं, तो बस उन ट्रिक के साथ लगे रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, सिलेक्शन हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। जय हिंद, जय भारत।